हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। दोस्तों, आज के दौर में इंडिया में 70 मिलियन लोग ऐसे हो चुके हैं जिनको शुगर की बीमारी हो चुकी है, यानी कि वह डायबिटीज के पेशेंट हो चुके हैं और यह आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में इन लोगों को शुगर चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर वह लोग किसी लैब से जाकर इसकी रीडिंग चेक करते हैं और कुछ लोग इनमें शुगर मशीन खरीद लेते हैं। अब मार्केट से वो लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो लोग एक ऐसी मशीन ले आते हैं जिसकी बाद में काफ़ी ज़्यादा महंगी स्टिप मिलती हैं और मशीन की कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी होती है। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि शुगर नापने के लिए हमको कौन सी मशीन लेनी चाहिए जो कि सस्ती मिले और बाद में उसकी स्टिप भी हमको सस्ती मिले, और इसके साथ साथ शुगर नापने का सही तरीका क्या होता है, सही शुगर क्या होती है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, छोटी सी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम शुगर मशीन मार्केट में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार की तरफ से हमको काफ़ी तरह की मशीनें दिखाई जाती हैं, बोलते हैं ये ले लिए या फिर ये नहीं तो ये ले लिए। हमको जानकारी ना होने के कारण हम एक ऐसी मशीन खरीद लेते हैं जो कि महंगी तो होती ही है, उसके बाद में उसकी स्टेप और भी ज़्यादा महंगी हमको पड़ती है, यानी कि हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगता है। अगर आप मेरी राय माने तो आप डॉक्टर मोरपेन की ग्लूकोवन की मशीन खरीद सकते हैं। यह मशीन आप लोग देख रहे होंगे, ग्लूकोवन की डॉक्टर मोरपेन की ग्लूकोवन की ये मशीन है। इस मशीन में लाइफ टाइम वारंटी रहती है, 500 से 600 रुपए में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी कोई भी मशीन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस पे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, 24 घंटे के अंदर लड़का आपकी लोकेशन पर मिलेगा और आपकी अगर मशीन में खराबी है तो सही करेगा या फिर रिप्लेस करके नहीं देगा। आपको बता दें, इस मशीन के साथ 25 स्टेप फ्री आती हैं और उसके ख़त्म होने के बाद आपको ये स्टेप 50 स्टेप की डब्बी और 25 स्टेप की डब्बी आपको बाहर से मिल सकती है। इसकी 50 स्टेप की डब्बी आपको 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी और अदर मशीनों की स्टेप की डब्बी 50 स्टेप की डब्बी आपको 900 से 1000 रुपये में मिलेगी। तो ध्यान रखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। आपको बता दें, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, यह मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए और मार्केट की डिमांड के अनुसार आपको बता रहा हूँ। आप ये मशीन ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ती और अच्छी मशीन है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस शुगर मशीन से हमको ब्लड शुगर किस तरह नापना चाहिए। मशीन के साथ ही हमको इसका सेल एक अलग से मिलता है जिसको हमें सबसे पहले इस मशीन में लगाना रहेगा और उसके बाद हमको मशीन के साथ एक पैन मिलता है जिसको हमें खोलना है और उसके बाद मशीन के साथ मिलती है हमको निडल। निडल को इस तरह पैन में लगाना है और उसके बाद हमको ये ऊपर की इसका कैप हटा देना है जिससे निडल की पिन बाहर निकल आएगी। उसके बाद हमको पैन का कवर चढ़ा देना है। आप इसको जितने पॉइंट पर सेट करेंगे आपकी उंगली में ये उतनी गहराई तक पिन करेगा। पैन को पीछे खींच कर पैन को लोड कर लेना है और उसके बाद हमें मशीन के साथ 25 स्टेप मिलती है, उनमें से एक स्टेप निकालनी है और स्टेप में जिस तरफ एरो बना है हमको उस तरफ से मशीन में लगाना है। स्टेप लगाते ही मशीन तुरंत ऑन हो जाएगी और यह ब्लड मांगने लगेगी। उसके बाद हमको पैन से बटन दबाकर अपनी उंगली पर पिन करना है और उंगली दबाने से हमारी उंगली से ब्लड निकल आएगा। ब्लड को जैसे ही आप स्टेप पर लगाएंगे आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही सेकंडों के अंदर आपकी ब्लड शुगर लेवल का रिजल्ट सामने होगा। ब्लड शुगर लेवल चेक करने के बाद आपको पैन को खोलना है और यूज की गई नीडल को बाहर निकाल देना है। एक नीडल को एक ही बार यूज करें। अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है और आपका सुबह नाश्ते के बाद ब्लड शुगर लेवल 70 से 130 रहता है और रात में खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 140 के बीच में रहता है तो आपका यह ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।